नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। विराट अब टेस्ट में सबसे अधिक दोहरा शतक लगाने के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 7 दोहरे शतक के साथ सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रिकी पॉन्टिंग, यूनिस खान, जावेद मियादाद, महिला जयवर्धने को भी पीछे छोड़ दिया है। इन सभी ने अपने टेस्ट करियर में 6 दोहरे शतक लगाए थे। अगर दुनिया भर के खिलाड़ियों के दोहरे शतक की बात करें तो कोहली 7वें नंबर पर आ गए। इस सूची में पहले नंबर पर 12 शतकों के साथ ब्रैडमैन है। वहीं टेस्ट में 7000 रन बनाने वाले विराट कोहली भारत के 7वें खिलाड़ी हो गए हैं। वो इस उपलब्धि को सबसे तेजी से हासिल करने वाले दुनिया के 4थे और भारत के 3रे बल्लेबाज बन गए हैं। विराट ने मात्र 81वें टेस्ट में टेस्ट क्रिकेट में अपने 7000 रन पूरे कर लिए। विराट ने जहां 138 पारियों में कारनामा किया है, वहीं सहवाग और सचिन ने 134 और 136 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। दिलचस्प बात यह है कि अभी अपने 7 दोहरे शतक कोहली ने बतौर कप्तान लगाए हैं। कोहली कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं। विराट के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा 5 दोहरे शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बतौर कप्तान टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक, विराट कोहली 7 शतक, ब्रायन लारा 5 शतक, सर डॉन ब्रैडमैन, ग्रीम स्मिथ, माइकल क्लार्क 4 शतक।